बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से। एलजीए में फिर निकला है भ्रष्टाचार का जिन्न। एलजीए ने कूड़े के ढेर में बना दिया है 9 मंजिला अपार्टमेंट। ऐशबाग हाइट अपार्टमेंट नाम से बना दिए हैं 248 फ्लैट। 9 मंजिला अपार्टमेंट में खर्च किए गए हैं 104 करोड़। इंजीनियर्स ने इसे असुरक्षित बताया है, इसी वजह से प्रमाण पत्र भी नहीं दिया है। अपार्टमेंट की बुनियाद को इंजीनियर्स ने कमजोर बताया है। बाबा इंफ्राटेक को 2016 में ठेका दिया गया था। ठेकेदार ने बिना कूड़ा हटाए यहां पर बिल्डिंग खड़ी कर दी। अपार्टमेंट की नींव का नहीं दिया गया है कोई भी लोड टेस्ट। कूड़े को हटाकर डाली थी 60,000 घन मिट्टी और कूड़ा हटाने के लिए अलग से दिए गए थे 5,50,00,000 रुपए। LGABC इंद्रमणि त्रिपाठी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से खड़ी हुई है ये इमारत की भ्रष्टाचार की इमारत। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर भी। विशाल, अब एक बड़ी बात सामने आ रही है, भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हुई है, क्या अब आगे की कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये निर्देश दे दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल, लखनऊ के ऐशबाग इलाके में ये ऐशबाग हाइट्स अपार्टमेंट जो है बनाया गया था, जिसका जो ठेका जो है एक कंपनी को दिया गया था, बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसको दिया गया था। लेकिन जो तमाम वहाँ पर कूड़े का ढेर था उसको नहीं हटाया गया, उसी के ऊपर जो है पूरी बिल्डिंग जो है खड़ी कर दी गई। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC ने इसके पूरे मामले के जाँच के आदेश दे दिए हैं। और चूँकि अलग अलग मद में पैसा जो है भुगतान किया गया था, जिसमें कूड़े हटाने को लेकर भी भुगतान किया गया था, और इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल अब जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ही जो टीम वो जांच करके इसकी पूरी रिपोर्ट जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपेगी। बिल्कुल विश्वास, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ऐसे मामलों में नकेल कसी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें इस तरीके का खेल होता नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में कई ऐसी जो है इमारत हैं जिसमें बाकायदा जो इसको बनवाने में लेकर धांधली के आरोप लगते रहे हैं और समय समय पर इसकी जांच के आदेश भी जारी करते रहे। तो फिलहाल अब लखनऊ के ऐशबाग इलाके में मौजूद है ये ऐशबाग हाइट लखनऊ विकास प्राधिकरण की ये पूरी बिल्डिंग थी। हालांकि इसमें अभी तमाम जो फ्लैट्स हैं वो भी नहीं बिके हैं, जिसको लेकर जाँच कमेटी भी बनाई गई थी कि इसका निर्माण कार्य कैसा हुआ है, इसका क्या निर्माण कार्य खराब हुआ है, गुणवत्ता इसकी कैसी थी, इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है सीधे तौर पर निर्देश जो है जारी किए। लेकिन अब चूंकि अब इस पूरे मामले में एक नया एंगल सामने आया है, तो जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अब जांच जो है उसे करने के आदेश जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC इंद्रमणि त्रिपाठी ने जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।